रही है और ये है हमारी भिंडी की फाइनल फाइनल लुक। देखें, हाँ जी, दिस इज द फाइनल लुक ऑफ क्रीमी फ्रूट चाट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू व्लॉग्स बाय सोनी। क्या हाल है जी आप सबका? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ना मैं बना रही हूँ भिंडी, यानी कि लेडी फिंगर। तो जिस जिसको ये रेसिपी नहीं आती है, जिस जिसको भिंडी बनानी नहीं आती, आप लोगों की भिंडी अगर अच्छी नहीं मिलती ना, तो आप लोग एक दफ़ा मेरे कहने से ये वाली रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको और अपने सब घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अच्छा जी, अब एक्चुअली मैंने किया क्या है कि मैंने दो जगह पे ऑयल ले लिया। एक तो मैंने ये वाली कढ़ाई ले ली है और एक मैंने वो वाला पैन ले लिया। कढ़ाई में जो है हम क्या करेंगे, अपनी भिंडी बनाएंगे एक्चुअली, यानी इसका मसाला और भिंडी बनाएंगे, और दूसरे पैन में जो है ना हम फ्राइंग करेंगे। ये मेरे पास ऑलमोस्ट हाफ के जी से भी कम भिंडी है, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा शौक से बच्चे नहीं खाते, बस मैंने और मेरे हस्बैंड ने खानी होती है, मैंने रुदील ने खानी होती है, तो इसलिए ये बहुत इनफ है। ये देखें, यानी अभी काफ़ी है। अभी इसके अंदर जो है मैंने प्याज वगैरह भी डाला है। इसको मैंने ऑयल में हल्का सा जो है ना वो फ्राई कर लेना है, ताकि भिंडी का जो है ना वो, एक तो इसके फ्राइंग करने से क्या होता है कि इसमें क्रिस्पनेस आ जाती है, और भिंडी का इसे फ्लेवर फ्राइंग करने से बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरी तरफ जो मैंने कढ़ाई रखी हुई है, ये मेरे पास देखें प्याज हैं, ऑलमोस्ट ही 3 से 4 प्याज हैं। तो इसमें कढ़ाई में हमने सिर्फ इतने प्याज डालने जिसमें कि हमारा मसाला अच्छे से बन जाए। बस ऑलमोस्ट ही मेरा ख्याल है एक छोटा प्याज आप समझ लें, इतना ही है, ठीक है। अच्छा, दो जगह पे ना काम करने से ये फायदा हो जाता है कि आपका टाइम बहुत बच जाता है, तो ये बड़ी एक अच्छी ऑप्शन है कि आप जो है वो इस तरह से कुकिंग करें कि आपके 2 या 3 जो आपके स्टोव्स हैं वो यूज़ हो रहे हो। जी जनाब, प्याज हमारी देखें ब्राउन हो गई है, लाइट ब्राउन टाइप ही हमने करनी है। बिल्कुल इसका ये वाला कलर आना चाहिए, यानी कि ये देखें ना, ये बहुत ज़्यादा है डार्क हुई है और ये ना ही कम है। हमें इसमें पानी ऐड कर देंगे, पानी में साथ में इतना डालना है कि इसमें मसाला बने, और हमारी भिंडी भी फ्राई हो चुकी है। इसको आपने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस देखिए मैंने हल्का हल्का सा इसको फ्राई किया और इसको अलग एक बॉल में निकाल दिया। अब जिस पैन में मैंने भिंडी फ्राई की है उसी में मैं ये सारे प्याज डाल के फ्राई कर रही हूँ। आपने इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना, ये देखें ऑयल थोड़ा सा डाला है मैंने, जरा बस, और हल्की आंच पे इसको बस हम थोड़ा सा फ्राई। इधर जनाब मसाले में हमने अभी सिर्फ और सिर्फ प्याज को लाइट ब्राउन किया है और इसके अंदर हमने डाल दिया है पानी, ठीक है। अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले जनाब मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ये भिंडी है और भिंडी आपको पता है बनके थोड़ी सी हो जाती है, और यानी ये कोई शोरबे वाला सालन नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा नमक ही डालेंगे। ये है हमारे पास हिमालयन सॉल्ट ऑलमोस्ट 1/2 स्पून, फिर हमारे पास आ जाता है रेड चिली पाउडर जो कि ऑलमोस्ट 1 स्पून में डाल रही हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा, यानी बस 1 स्पून काफ़ी है, 1 टेबल स्पून। उसके बाद हम डालते हैं थोड़ी सी हल्दी, उसके बाद हम डालते हैं थोड़ा सा धनिया पाउडर, उसके बाद हम डालते हैं थोड़ा सा जीरा पाउडर, और आजकल लहसुन अदरक पिसा हुआ मेरा ख़त्म हुआ है, अगर आप लोगों के पास पिसा हुआ पड़ा है तो दैट इज़ वेरी गुड ऑप्शन। मेरे पास ही अदरक पाउडर ये वाला है, थोड़ा सा अदरक पाउडर ऑलमोस्ट आप समझ लें 1/2 से भी कम टीस्पून जो होता है ना वो, और ये है अदरक पाउडर। इसका भी फ्लेवर वैसे बहुत बहुत अच्छा आता है, ज़बरदस्त आता है, ठीक है। ये तो हो गए हैं हमारे सारे स्पाइसेस। इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे अपने कटे हुए टमाटर, ये तकरीबन मैंने 3 टमाटर ले लिए, बस
और फिर इसको हल्की आंच में हमने इसका अच्छा सा मसाला बना लेना है और साथ साथ हमने अपना प्याज लेना है, उसको फ्राई करते रहना। अच्छा एक बात और, अब इस प्याज में आप लोगों ने ना हल्की सी हल्दी डाल देनी तो उसका ना कलर बहुत अच्छा आ जाता है प्याज का, ना वो वाइट वाइट कलर नहीं आता, येलो इसका शेड जो है ना बहुत अच्छा लगता है प्याज का। ये देखिए मैंने बस इतना ही डाला है, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे हम और इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे, इसको हम कवर कर देंगे ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से कोटिंग हो जाए। अच्छा ये देखिए मैंने प्याज को बिल्कुल जो है ना वो हल्का सा फ्राई किया है और इसका कलर येलो कितना खूबसूरत लग रहा है। जब ये भिंडी में आपकी डलेगा ना तो मजा आ जाएगा सीरियसली। फिलहाल हम इसको ये वाला चूल्हा जो है इसको बंद कर देते हैं और हमारा जो मसाला है ना वो देखिए अभी तक भी बन रहा है। वाह क्या जबरदस्त मसाला तैयार हो रहा है, जरा देखें, देख के आपका भी दिल चाह रहा होगा इसको खाने का। ओहो जबरदस्त जबरदस्त। टमाटर वैसे हमारे ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो चुके हैं तो इसको जो है ना हमने अब इसकी मसाले की थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। जी और ये देखें हमारा जो मसाला है ना कितना खूबसूरत तैयार हुआ है, ठीक है। और इसका जो भिंडी का मसाला होता है ना ये थोड़ा थोड़ा सा खड़ा होता है, यानी ये नहीं है कि आपने बिल्कुल हर चीज़ को मैश कर दिया है। अब ये डिपेंड करता है, अब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी को जो है वो बिल्कुल ही भुना हुआ मसाला अच्छा लगता है, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा सा ना इसमें हल्के हल्के से बिल्कुल मतलब ना फील होने के बराबर टमाटर के चंक्स हल्के हल्के से आ रहे हों या हल्की सी ज़रा सी मामूली सी प्याज फील हो रही हो, मुझे ये वाला पसंद है। इसका जो मसाले का कलर इतना अच्छा है, मैं आपको सीक्रेट बताती हूँ कि आप लोगों ने जो है नेशनल की अगर रेड ये वाला सूर्ख मिर्च पाउडर जो है ये वाला पाउडर यूज़ नहीं करते तो ये यूज़ करके देखें, इसका इससे सालन का रंग बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मसाला हमारा देखें ऑलमोस्ट भुन चुका है, हमने इसमें डाल देनी है भिंडी। भिंडी को लबेड़ना है आपने मसाले के अंदर, जब तक ये मसाले में लिबड़ेगी नहीं तो भिंडी का मजा नहीं आना। ये देखिए इसको मैंने जितना मसाला है ऑलमोस्ट उतनी ही भिंडी है हमारी, यानी इसका आपने मसाला अच्छा रखना है तब जाके बात बननी है, अगर मसाला जरा थोड़ा रखेंगे ना फिर इसका मजा नहीं आना। अच्छा जी ऑलमोस्ट 30 सेकंड के लिए मैंने इस भिंडी और मसाले को इकट्ठा भूना है और इसमें अब मैं हल्का सा देखें बिल्कुल जरा सा हल्का सा पानी डाल रही हूँ, ठीक है। और मैंने इसको कर देना है अब कवर, आंच कर देनी है एंड पे, ठीक है। हल्का 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 जब ये बनेगा ना तो बहुत मज़ा आ जाएगा। अच्छा मैंने आप लोगों से ये बात करनी थी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट। आप लोगों को पता है कि मैंने अभी अपना नया नया चैनल स्टार्ट किया है तो आई नीड मोर सब्सक्राइबर्स, आई नीड मोर अप्रिसिएशन, आई नीड मोर कमेंट्स, आई नीड मोर शेयर्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई ऐसी वीडियोज या कोई ऐसी चीज़ें जो कि आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 लेट मी नो। नेक्स्ट अब इसका प्रोसेस क्या होने वाला है वो मैं अब आपको बताती हूँ। जब हमने इसको ऑलमोस्ट 5 मिनट्स के लिए दम पे रखा है, ठीक है, और 5 मिनट्स के बाद आते हैं देखते हैं कि अब इसका हमने क्या करना है। जी ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स हो चुके हैं, देखते हैं हमारी भिंडी का क्या हाल है। ओ हो मैं कहती हूँ रोजे में अल्लाह माफ करे नियत खराब करने वाली बात है सीरियसली लिटरली। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ करीब से, एक मिनट है। जस्ट अ मिनट और आपने फिर मुझे बताना है कमेंट्स में कि मैंने जो कहा है सही कहा है कि नहीं। ओह माय गॉड बट बच्चू जी अभी ये तैयार नहीं हुई है पूरी, अभी इसके अंदर हमने प्याज तो ऐड ही नहीं किए,
ये वाले जो प्याज है ना इनको इसमें सूट दे। इनको सूट के और फिर इसको मिक्स करें। ज्यादा नहीं करना वरना जो भिंडी है ना वो खराब हो जाएगी। बहुत ज्यादा चम्मच नहीं चलाने, ठीक है। अब इसकी आंच हमने फिर एंड पे कर देनी है और इसके अंदर एक ही और ऐड। ये जा रहा है हमारा गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला और गरम मसाला, बस बहुत है। इसको अब हमने थोड़ी देर दम पे रखा। यार कसम से इतनी मजे की खुशबू आ रही है ना, बता नहीं सकती मैं। लेकिन इसको बस हमने, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, ये बिल्कुल दोनों चीजें ऑलमोस्ट, भिंडी तो 100% गल चुकी है, प्याज है ना उसमें हल्की सी कसर है, तो उसको हमने हल्की आंच बस ऐसे दम करके चार पांच मिनट। और फिर जनाब ये डालना। देखिए मैंने आपको कितनी मजे की भिंडी की रेसिपी बताई है और इस तरह आप लोगों ने ट्राई जरूर करनी है और मुझे बताना है कि कैसी बनी है। I like to eat apples and bananas. I like to eat apples and bananas. जब आप माएँ बन जाती हैं ना, और ख़ासतौर पे छोटे बच्चों की माएँ बन जाती हैं, तो गाने गुने भूल जाते हैं, सारी पोइम्स याद हो जाती हैं। यही मेरे साथ हुआ हुआ है। एनीवेज मैं सोच रही थी कि आप लोगों को मैं एक और यू नो रेसिपी बता दूँ या एक और चीज़ बता दूँ, वो है जनाब क्रीम फ्रूट चाट। बहुत सारे लोगों को आती है, यूट्यूब भरा पड़ा है, पर मेरी रेसिपी सबसे आसान है। और दूसरी बात यह कि इसमें काफ़ी सारे लोग काफ़ी कुछ डालते हैं, बट मैं ओनली टू फ्रूट्स डालती हूँ जो कि हैं बनानास एंड एप्पल्स। उसकी वजह यह कि अगर इसमें आप स्ट्रॉबेरी डालेंगे ना तो आपकी सारी फ्रूट चाट रेड रेड हो जाएगी, वो कलर बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। एप्पल्स ऐड कर दिए हमने एक बोल के अंदर, ठीक है, और हमने ऐड कर दिए हैं बनानास, ठीक है जनाब, और हमने इसमें ऐड करने हैं वाइट चने, और हमने ऐड करने हैं इसमें वाइट बॉइल्ड चने, ये वो वाले चने जो कि मैंने बॉईल करके फ्रीज कर लिए, ऐड करनी है सारे। चलो अब हमने इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून से थोड़ा मैं ज़्यादा करती हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, और हमने इसमें ऐड करना है शुगर 1 स्पून, शुगर ऑलमोस्ट 2 स्पून, बस बहुत। फिर हमने इसमें ऐड कर देनी है क्रीम। देखें ज़रा क्रीम कैसे गिरती है, ये चीज़ वो, ठीक है। फिर हमने इसमें ऐड कर देनी है मायोनीज़। मायोनीज़ कैसे गिरती है, ओ ये दिस वन इज थिक, थोड़ी उस डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालनी, बस बहुत है। तकरीबन आप समझ लें, अगर मैं आपको स्पून के हिसाब से बताऊँ ना, तो मैंने इसमें जो है वो क्रीम डाली है मैंने ऑलमोस्ट 3 टेबल स्पून, और मायोनीज़ हमने डाली है इसमें ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स, और इसको आपने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि जो चीनी है ना वो मेल्ट हो जाए। इसको आपने तार से कम से कम 1 घंटा पहले तैयार करना है ताकि इसकी जो चीनी है वो मेल्ट हो जाए और सब इंग्रेडिएंट्स आपस में घुल मिल जाएं। हाँ जी, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ क्रीमी फ्रूट चाट। ओके जी, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ क्रीमी फ्रूट चाट। प्लीज़ आप इसको ट्राई करें और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है जी। और ये है हमारी भिंडी की फाइनल लुक। देखें कितनी टेम्पटिंग लग रही है और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। अगर आप लोगों को भिंडी बनानी नहीं आती या आप लोगों को उसका कोई आसान तरीका नहीं पता, तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा इजी रेसिपी ना आपको और कहीं नहीं मिलेगी। एनीवेज जी, आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों को 2 चीज़ें सिखाई हैं और आई होप कि आप लोग उसको ट्राई करेंगे ज़रूर। मेरी वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।